पानीपत लघु सचिवालय के अंदर बना सरल केंद्र अब दलालों का अड्डा बनता जा रहा है। सरल केंद्र के अंदर हर विंडो पर दलालों का जमावड़ा रहता है। प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने जिलों के लघु सचिवालय में सरल केंद्र बनवाए हैं, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी सरकारी कार्य आम आदमी आकर करवा सकता है। सरल केंद्र में टोकन सिस्टम लागू है, कोई भी शख्स टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर काम करवा सकता है। लेकिन अब हरियाणा सरकार का ये सिस्टम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पानीपत लघु सचिवालय के अंदर जो ये सरल केंद्र है अब दलालों का अड्डा बनकर रह गया है। सरल केंद्र के अंदर हर विंडो पर ये आप जो दलालों का जमावड़ा हुए उसे देख सकते हैं। जब मीडिया ने इस केंद्र की अंदर जाकर खिड़कियों का जायजा लिया तो कैमरे से दलाल भागते नजर आए और कई लोगों को तो बिना टोकन के ही अपना काम करते हुए हमारी टीम ने पकड़ा। जब इस बारे में सरल केंद्र के सुपरवाइजर गौरव से बात की गई तो उनका कहना था कि आपके द्वारा ये मामला हमारे संज्ञान में लाया गया है और हम जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो की भी जांच की जाएगी। अगर यहाँ बिना टोकन के कोई आया है या ऑपरेटर बिना टोकन के काम करता हुआ दिखता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये टोकन का बान हो गई, टोकन मिला और इज्जत नंबर नहीं आप दो बजे लड़की मेरे साथ में आधार कार्ड भी मिलेगा डेट बदलवा दे उम्र का कितना टोकन नंबर है अभी 114 और अब क्या चला हुआ है यानी अभी 106 चल रहा है अभी 106 चल रहा है टोकन जा चुके हैं 418 हाँ ये लोग नंबर नहीं है क्या नाम है सर संपर्क आधार कार्ड बड़ा फोटो करवाना है इसका बड़ा फोटो करवाना है और इसके सिंगल प्रिंट नहीं आ रही ये बच्चे का छोटे हाथ थे ना बड़े हाथ थे आप किस टाइम आए थे हम जी जी यानी 8 बजे आए थे अब क्या टाइम इन तो टाइम का तो जी पता नहीं लड़की पता हो लड़की का टाइम हो गया पता 1 बजे तो क्या कहते हैं आपका बजी क्या कहना वो खड़े इन सोच रहे अगर बन गया तो मजदूर याद ना चिनाई की मजदूरी करूँ बेलदारी 3 दिन हो गए मैं 3 दिन हो गए हाँ आऊँ रोज आऊँ कल भी कल आया था परसों आया था आज मैं पूछा था आम मगर जी किस टाइम आम कहना भाई तब भी 8 बजे लाइन में लग जाए सुबह 8 बजे लाइन में लग जाए क्या नाम है हाँ जी नाम क्या नाम तेजपाल है सचिन मल्लिक एडवोकेट मैंने इंतकाल निकलवाना था एक और 20 मिनट से पहले लाइन में लग के मैंने टोकन लिया ये मेरा टोकन है और उसके बावजूद इनका कोई टाइमिंग नहीं है अंदर गया मैं तो कह रहे हैं कि लंच करने चले गए हैं ये नहीं बता रहे कितने बजे तक मतलब ये हमारा काम करते हैं ठीक है पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है और हमारे साथ ये मिसबिहेव करते हैं वकीलों के साथ भी ये कहते हैं जा जो तुझ पे होता कर लेगा हम एसडीएम से मिल जाएगा हाँ ये बोलते हैं एसडीएम से मिल ले ठीक है जी तो ये बताइए किसकी मतलब कमी है ये ना ही ना कोई टाइमिंग है इनसे पूछता हूँ भाई टाइमिंग बताइए आप अपना पता ही नहीं इनको कोई 2 बजे अपनी सीट से उठ रहा है कोई 2:30 बजे कोई 3 बजे फिर मैंने कहा कि अगर आपका टाइमिंग 2 बजे तक है तो फिर 3 बजे तक टोकन क्यों दे रहे हो किसका हमें पता नहीं हमारे पास कोई जवाब नहीं है ठीक है बाहर के क्या टोकन पे टाइमिंग आता है हाँ जी टोकन पे टाइमिंग आ रहा है देखो 2:52 का आइए एक ये मेरे साथ वकील साहब है ये भी काफी टाइम से खड़े आधे घंटे से खड़े हैं हाँ अगर जिसके पास टोकन नहीं है उनका अंदर काम हो रहा है ठीक है जी रिश्वत लेके काम हो रहा है उनका अंदर और हमारा कुछ नहीं बताइए बस जो एजेंट है यहाँ के वे अपना आते हैं 100-200 रुपए देते हैं और काम करवाते हैं और हमारा टोकन लेने के बावजूद भी मतलब काम नहीं हो रहा है गेट वाला देखो ना गेट वाला 2:30 बजे है जी और मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से 436 टोकन इशूड हो चुके हैं उसमें 382 जो है प्रोसेस हो प्रोसेस का मतलब कि वो मैंने उन पर कार्रवाई हो चुकी है बिना जो टोकन के हैं लोग अंदर मिलते हैं आपके कई ऑपरेटर के पास में बैठे होते हैं ब्रोकर नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरी नॉलेज में नहीं है आपने बताया मैं चेक करवा दूँगा नहीं अभी मैंने देखा कि वहाँ कारण है क्यों नहीं मैं अभी कैमरे में भी चेक कर लेता हूँ अगर कैमरे में अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं ऑपरेटर से पता करूँगा कि क्या है कुछ 114-115 टोकन के लोग अभी घूम रहे हैं और 433 नंबर 500 से ऊपर चल चुकी है क्या जैसा है हमारे यहाँ चार काउंटर है जो आधार कार्ड की भी सर्विस दे रहे हैं
आधार कार्ड में एक बंदे के ऊपर 20 से 25 मिनट आधा घंटा भी लग सकता है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और आधार कार्ड का फुटफॉल भी यहाँ पर ज़्यादा है। 150 टोकन हमारे आधार कार्ड के अकेले आधार कार्ड के हैं, तो इसलिए उनके जो टोकन का है वो चलने का धीरे धीरे चलता है, और बाकी जो काउंटर है उसके ज़्यादा सर्विस ज़्यादा लोग हैं, ऑपरेटर ज़्यादा है, तो जल्दी काम हो जाता है। 50% लोग यहाँ बिना टोकन के थे क्या सर? टोकन हमने यहाँ पर नोटिस भी लगा रखे हैं, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपकी जो ये 11 और 12 नंबर खिड़की है उसके तो बिना टोकन के, मोस्टली लोग बिना टोकन के। सर मैं चेक करा लेता हूँ, बाकी ऑपरेटर से भी कंफर्म कर लेता हूँ। जो मेरे पास लिस्ट है 11 टोक उसके ऊपर 48 टोकन कटे हुए हैं और 12 पे 13, तो इसका मतलब ये लोग टोकन लेके जा रहे हैं, बाकी मेरी नॉलेज में नहीं है जो आप बता रहे हैं। क्या नाम है? गौरव। पोस्ट क्या आपकी? सुपरवाइजर।